सबसे जरूरी चीज अगर आप बाइक में, तो दो आदमी का हेलमेट बहुत जरूरी है, जैसे देख रहे हैं मेरे मामा जी हैं, और पुलिस बिना हेलमेट के जा रहे हैं, आप जैसे देख ही रहे होंगे। पब्लिक को पब्लिक तो हेलमेट पहन के ही चलता है, पुलिस को हेलमेट पहन के चलना चाहिए, बट क्या बोले और कुछ बोलने को है नहीं। समझना चाहिए और सोचना चाहिए। तो मैं अभी जा रहा हूँ मॉल में ऐसे कुछ सामाना खरीदना है, कपड़ा वगैरह खरीदना है, तो कपड़ा खरीद के उसके बाद सीधे फिर निकलना है आज मुझे, तो आज ही निकलते हैं। अभी हम लोग रुके हैं जाम में, जाम नहीं ये क्रॉसिंग में, तो अभी चलना होगा। चलिए आज आप सबको कुछ भी हो, थोड़ा बहुत कुछ हो वो दिखाता हूँ पटना। और यहाँ शायद आई थिंक मेट्रो का काम चलेगा, ये जो लाइन है जहाँ तक मुझे लगता है, कथी बनेगा यहाँ कोई पता नहीं है, बट पटना में भी मेट्रो आएगा, तो वो भी दिखाऊंगा कुछ साल के बाद जब मेट्रो कंप्लीट हो जाएगा। और अभी आए हम लोग जूता लेने के लिए, मैं ये जूता पसंद किया हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा है, बिना लेस का ये जूता, ये ठीक रहता है कुछ है। और हम लोग वहाँ से आ चुके हैं, अभी हम लोग आ चुके हैं V2 मॉल में, बाइक लगाते हैं यहाँ 20 रुपया लेता, हाँ अपना ऑफिस में लगा दिए, यहाँ बाइक लगाने के लिए 20 रुपया चार्ज लेता है, ये V2 मॉल है, अंदर चलते हैं। चलिए अंदर आपको दिखाते हैं, कुछ कपड़ा खरीदना है मुझे, बहुत अच्छा मॉल है, चलिए अंदर चलते हैं और मिलते हैं आपसे। और मॉल के अंदर ऐसा कुछ व्यू है, यहाँ ढेर सारा कपड़ा रखा गया है, ये देखिए, ये है V2 मॉल। और अभी हम लोग रास्ता के जस्ट किनारे में है, जा रहे हैं, मतलब गर्मी भी बहुत है, और ऐसा कुछ दिखता है पटना शहर। अच्छा ये बुद्धा कॉलोनी वाला रोड है ना, देख लिए या। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग प्रमोट ब्लॉग, जय हिंद जय भारत जय बिहार।